नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो पीजी का एंट्रेंस है, इस पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारा ये है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर में कितने सवाल आएंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। कंफ्यूजिंग का मतलब ये रहता है, जो PG81 के विद्यार्थी और जो PG82 के विद्यार्थी हैं, मान लीजिए कि इसमें थर्ड ईयर वाला पूछता है कि आपके दो सब्जेक्ट क्या रहते हैं, इसको ऐसे 1, 2, 3 इस तरीके से रहता है, तो नॉन सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है, और जो सब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत समस्या होती है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, 100 सवाल रहेंगे कि 150 सवाल रहेंगे, कितने नंबर में इंटरेस्ट होगा। तो इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत कान खोल के सुनिएगा जो भी विद्यार्थी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमए और एमएससी की बात करेंगे, यही मामला इसमें देखिए, एकदम क्लियर जानिए, ये वीडियो इसी के लिए है। जितने भी विद्यार्थी हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात ये PG81 में आता है, यानी PG81 में आता है एमए और एमएससी, ये जान लीजिए। क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा, टोटल आपके वो 100 सवाल रहेंगे, मतलब आपके जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो 150 सवाल आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 का मतलब, जब वो फॉर्म भरते हैं तो जो आपका थर्ड ईयर रहता है, जो आपका लास्ट ईयर रहता है, उसमें दो सब्जेक्ट आप लिए रहते हैं। मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट हिंदी और फिलॉसफी लास्ट ईयर में रहा है, एकदम क्लियर है। तो जब हम पहले में हम एमए करना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो हमने हिंदी भरा। मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र भरते हैं कि मान लीजिए हिंदी की कट ऑफ बहुत हाई गई, फिलॉसफी में कट ऑफ कम जाती है, उनका थर्ड ईयर में फिलॉसफी रहता है तो फिलॉसफी भर देते हैं, चलो मतलब समय बचता है तो हम कर लेंगे। तो दूसरा हमने फिलॉसफी भरा। जो नॉन सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी हैं वो तीसरा ऑप्शन जाते हैं, जैसे मान लीजिए जियोग्राफी से करना हो, पॉलिटिकल साइंस से करना हो, साइकोलॉजी से करना हो, तो वो नॉन सब्जेक्ट पे जाते हैं। तो मेन मुद्दा फंसता है कि अगर हमने एक सब्जेक्ट भरा है, देखिए आप एक सब्जेक्ट भी भर सकते हैं, आप दो सब्जेक्ट भी भर सकते हैं, लेकिन आपको सवाल उसी के अटेम्प्ट करना है जो आपका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का जो सब्जेक्ट रहा है। हिंदी फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए कि हमने सिर्फ हिंदी भरा, तो दूसरा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि समय रहता है और भरने में कोई दिक्कत थोड़ी, उतने पैसे में ये भी भरा जाता है, तो हम भर दे रहे हैं दूसरे में फिलॉसफी भर दे रहे हैं, तो उतने समय में आपको करना होगा। पेपर हमारा 3 घंटे का होगा, 3 घंटे या 2 घंटे, मुझे इतना क्लियर नहीं है, जान लीजिए शायद 2 घंटे का होता होगा, मुझे इतना आप प्रोसेस में देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि टोटल आपके पेपर में सवाल रहेंगे 150, यानी जो आपके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के जो 50 सवाल यहाँ पे रहेंगे, 50 सवाल कंपलसरी है, ये जो है सबके पेपर में कॉमन रहेगा। जितने भी एमए का एंट्रेंस होगा, जितने भी एमएससी का एंट्रेंस होगा, उसमें 50 सवाल कंपलसरी रहेगा, और जो 50 सवाल है ये 2-2 नंबर का रहेगा, यानी 100 नंबर यहाँ रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि 5 पोर्शन से इसमें सवाल पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 50 सवाल रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा। देखिए बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, जो ज़्यादा पढ़ेगा वही डूबेगा, उतना पढ़िए जितना सॉलिड पढ़िए आप, बहुत ध्यान से। हिंदी में ग्रामर पढ़िए, इंग्लिश में भी ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करिए, नॉर्मल सी वेन डायग्राम आप कवर कर लीजिए, बहुत हार्ड रीजनिंग नहीं रहती, कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप क्लियर कर ले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या रहती है यहाँ, जो 50 सवाल हमारे सब्जेक्ट के रहेंगे और फिर 50 सवाल सब्जेक्ट के रहेंगे। देखिए, एक विषय से एमए का जो एंट्रेंस भरे हैं उनको टोटल 100 सवाल अटेम्प्ट करना है, 2 विषय से जो भरे हैं विद्यार्थी उनको 150 सवाल अटेम्प्ट करना है, कट ऑफ अलग अलग बनेगी। देखिए यहाँ सब्जेक्ट 1, यानी मान लीजिए कि हिंदी के 50 सवाल रहेंगे, और यहाँ पे दूसरा फिलॉसफी के 50 सवाल रहेंगे, इसमें 1 सवाल 4 नंबर का रहेगा, जो आपकी मेरिट बनेगी वो 300 नंबर की बनेगी। यहाँ पे 50 × 2 = 100 और 50 × 4 = 200, तो 100 जो सबका कंपलसरी है और जो हमारा सब्जेक्ट वाला है वो 200 नंबर। कट ऑफ मेरिट कैसे बनेगी देख लीजिएगा, मेरिट ऐसे बनेगी, मेरिट 50 सवाल किसके जो कंपलसरी है ये 100 नंबर का रहेगा, और सब्जेक्ट 1 की मेरिट 200 नंबर, यानी 300 नंबर टोटल। तो दूसरा जैसे हिंदी के लिए इतना बनेगा, और जो फिलॉसफी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यही बनेगा, 100 नंबर ये, और सब्जेक्ट 2 यानी फिलॉसफी के जो 50 सवाल अटेम्प्ट किए रहेंगे उसकी कट ऑफ बनेगी, तो ये भी 300 नंबर में बनेगी। ये आपका पूरा मामला इधर बनता है। अब देखिए, तो मान लीजिए कि जिन्होंने एक विषय से भरा, मान लीजिए किसी ने हिंदी भरा, मान लीजिए मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, मैंने हिंदी भरा है,
तो हमको सिर्फ हिंदी के 50 सवाल जो सब्जेक्ट वाले हैं वही अटेंड करना है, 50 सवाल कंपलसरी वाला और 50 सवाल हिंदी वाला। दुनियादारी से लेना देना नहीं है, हमने फिलॉसफी भरा है तो उसमें क्या करेंगे, छोड़ दीजिए उसको, आप हमसे क्या मतलब है। दिमाग मत लगाइए, जितना कहा जा रहा है उतना दिमाग लगाइए। मान लीजिए कि आपने हिंदी और फिलॉसफी दोनों भर दिया है तो हल कर दीजिए, फिलॉसफी वैसे भर दीजिए, मतलब लगा दीजिए निशान, बहुत समय रहता है आप खाली बैठे रहेंगे। तो उसकी कट ऑफ 100 नंबर जो कंपलसरी वाला और जो फिलॉसफी का नंबर है वो बनेगा, तो इसकी कट ऑफ अलग निकलेगी। मान लीजिए आपके एंट्रेंस में ऐसे आएगा, पहले तो सब आपका डाटा रहेगा, फिर यहाँ पे हिंदी के मार्क्स रहेंगे, हिंदी के मार्क्स टोटल 250 नंबर, और यहाँ पे फिलॉसफी रहेगा उसके मार्क्स रहेंगे 230 नंबर, ऐसे नंबर आएगा आपका, इतना जान लीजिए, क्लियर आपका हो गया। नॉन सब्जेक्ट वाले विद्यार्थियों का क्या होता है, मान लीजिए कि जो उनका ऑनर्स है, यानी कि जो ऑनर्स है कि जैसे BHU का कोई है, कोई कहीं से पढ़ा जिनका ऑनर्स है, उनको सिर्फ वही सवाल अटेम्प्ट करना है जिनका वो लास्ट ईयर में एक ही सब्जेक्ट से ऑनर्स, चाहे हिंदी चाहे फिलॉसफी चाहे पॉलिटी चाहे हिस्ट्री, तो उनको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, यानी 50 सवाल कंपलसरी और 50 सवाल अपने सब्जेक्ट के, यानी कि इनका कट ऑफ 300 नंबर बने। आपका भी कट ऑफ 300 में बनेगा लेकिन सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बनेगा, तो जब आप कट ऑफ के लिए जाएंगे दाखिले के लिए तो 300 नंबर अलग हिंदी का बनेगा, 300 नंबर फिलॉसफी का अलग बनेगा, दूसरे से कोई लिंक नहीं रहेगा। नॉन सब्जेक्ट वाले विद्यार्थियों के लिए यही सूचना है, मान लीजिए किसी का ऑनर्स ये रहा है, उनको नॉन सब्जेक्ट से यानी तीसरा सब्जेक्ट जब आप यहाँ भरेंगे तो वो नॉन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है, तो यहाँ पे इन दोनों का औसत ले लिया जाएगा। मान लीजिए कि आपने हिंदी अटेम्प्ट किया, हिंदी में आपने कितना नंबर पाया, हिंदी में आपने पाया 200 नंबर टोटल, 300 में आपने 200 नंबर पाया, फिलॉसफी में आपने पाया 210 नंबर अपॉन 2, तो इसका औसत आ जाएगा 205 नंबर, तो ये नॉन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा, इतना आप क्लियर समझ लीजिए। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, सब सवाल करिएगा, बहुत लोग आर्यभट्ट बनाम हीर बनते हैं, सवलवे छोड़ के चले आते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग PG के एंट्रेंस में नहीं है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का बता रहा हूँ, CUET वाले विद्यार्थी देख रहे हैं उनका इससे कोई लेना देना है नहीं, ये PG का एंट्रेंस है जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद से कंडक्ट करवा रहा है। गैप ईयर का नंबर कटेगा, अगर आप बहुत गैप ईयर किए हैं तो उसका नंबर 5% एक साल पे, 10% दो साल पे, 15% तीन साल पे, ऐसे आपका गैप ईयर का नंबर कटेगा। ये क्लियर समझ में आ गया, इसके बाद अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 50 सवाल हमारे हिंदी से रहेंगे, उसी क्वेश्चन पेपर में 50 सवाल फिलॉसफी से रहेंगे, 4-4 नंबर का आपका सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा, 2-2 नंबर का आपका जो कंपलसरी वाला सेक्शन है उसका वेटेज रहेगा, इसका सिलेबस ये है, इसका सिलेबस वो रहेगा जो आपने ग्रेजुएशन में 3 साल में पढ़ा होगा, बाकी PGET का ब्रोशर सब आप देखेंगे तब वहाँ पे आपको सिलेबस पता चल जाएगा। मेरिट अलग अलग बनेगी, अगर मान लीजिए कि आपने हिंदी भरा है, बहुत लोगों ने दूसरा सब्जेक्ट नहीं भरा है, तो परेशान नहीं होना, तो आपका हिंदी का कट ऑफ निकलेगा, फिलॉसफी भर दिया तो उसका भी कट ऑफ निकलेगा, ये ऐसा प्रोसेस रहता है, ये इसके लिए है। LLB के लिए 150 सवाल आएंगे, BEd के लिए भी 150 सवाल आएंगे, ये सब 2-2 नंबर के रहेंगे, जान लीजिए बहुत ध्यान से, ये सारी चीज़ें हैं, आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव, अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से हम लोग आपको सारी अपडेट पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।